हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो दिस इज़ डे 2 एंड आज मैं फिर से जा रही हूँ जर्मन वाले मतलब मेले में, और आज है फायरवर्क। तो आज मेरे को ज्वाइन कर रहे हैं 2-3 नए लोग। तो चलो आपको उनसे मिलवाती हूँ। सबसे पहले तो ये रहे वो लोग। हेलो हेलो। तो मी हाइस टू सुशीला। और इनको सिर्फ जर्मन आती है, ये है इंडियन बट ये जर्मन में बात करते हैं क्योंकि ये पहले से यहाँ पे रहे हैं। वो कंटिन्यू रहो व्लॉग में, तो आगे मिलती हूँ। हेलो मैं सुशीला। क्यों नहीं लगाना? बाहर से नहीं लगा दो। लगा दो। लिपस्टिक लगा रही है जो मेरा दोस्त है। हम झूला झूलने जा रहे हैं सारे लोग। और क्या हाल है आपा? दिखाना अब नेक्स्ट इमाना और व्हाइट है पापा। या मैंने ये ले लिया, ये है रोस्टेड आलमंड्स। तो ये है 3.5 यूरोज़ का 100 ग्राम एंड काफ़ी टेस्टी होते हैं, क्रंची से। तो आप ये भी ले सकते हो मेले में। तो गाइज़ यहाँ पे बच्चों के लिए काफ़ी झूले थे, आप देख सकते हो। ये थोड़ा सा मतलब लाइक जंप टाइप है, स्मॉल जैसे बंजी जंप टाइप वैसा है। एंड देन यहाँ पे एक शॉप थी, यहाँ पे वुड के मतलब बर्तन मिल रहे थे। देन यहाँ पे पर्स की शॉप थी जहाँ से मैंने अपने लिए पर्स लिया था, आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स थे, उसकी शॉप थी। एंड यहाँ पे सॉक्स थे, गर्मियों के विंटर वेयर से कुछ कुछ ग्लव्स और छोटे छोटे मतलब कैप्स वगैरह। देन यहाँ पे एक पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़ा का शॉप था। देन आप देख सकते हो ये सबसे बड़ा डेंजरस राइट साइड से दिख रहा है। देन ये क्रेप्स बन रहा है, आप देख सकते हो इसके प्रोसेस को, ये कैसे बनता है। बैटर को लेके ऐसे घुमा देते हैं डोसे की तरह। एंड देन इसके ऊपर टॉपिंग्स डाल देते हैं जो भी आपको चाहिए। न्यूटेला चाहिए, न्यूटेला कोई क्रीम के साथ खाता है, कोई मतलब फ्रूट्स के साथ खाता है। तो बहुत सारे इसमें वेराइटीज़ होते हैं। तो ये मैंने एक लिया था और खाया था, तो आप देखो आगे वीडियो को। तो गाइज मैंने ये ले लिया, इसको बोलते हैं क्रेप्स। और आपको ये जनरली क्रिसमस मार्केट्स में या कोई भी मेला लगता है यहाँ पे तो मिल जाएगा। और ये है 4.5 यूरो का, ये न्यूटेला वाला लिया है मैंने। तो ये बेसिकली क्या होता है, पैन केक होता है, फिर डोसे जैसा इसको मतलब राउंड शेप में कर देते हैं। मैंने उसके ऊपर न्यूटेला लगा देते हैं और काफ़ी फुलफिलिंग होता है, काफ़ी टेस्टी होता है। तो आप देख सकते हो उसमें से कितना मतलब न्यूटेला निकल रहा है, एकदम चॉकलेटी लग रहा है। गरम गरम है अभी, अच्छा है। अगर आप भी जर्मनी में और मार्केट में आते हो, क्रिसमस मार्केट या फिर मेले में, तो आप भी ये ले सकते हो। फिर क्रेप्स खाने के बाद मुझे थोड़ी सी प्यास लगी थी, तो मैंने ये पी बबल टी। मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई की थी एंड मैंने मेलॉन फ्लेवर में इसको लिया था। एंड इसमें जो बॉल्स थे, बबल्स, वो कीवी फ्लेवर के थे। तो मेरे को ठीक ठाक लगे, इतनी खास नहीं लगी, बट ठीक था फॉर द फर्स्ट ट्राई। यानी 5 यूरोज़ का था। तो गाइज़ फिर हम आगे गए तो मुझे ये शॉप दिख गई। ये होती है जिंजर कुकीज़, जर्मनी की ट्रेडिशनल कुकीज़ है जो कि हमेशा बनती है जो भी फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे कि क्रिसमस में बहुत फेमस है। एंड ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज़ होती है। इसका जो सबसे छोटा साइज़ होता है, ये साइज़ के अकॉर्डिंग बिकती है लाइक प्राइजेस में। तो सबसे छोटा 2.5 यूरोज़ का था। और ये शॉप इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, मैंने इसका शॉट ले लिया अच्छे से। इसमें इसके अलावा भी अदर कैंडीज़ वगैरह मिल रही थी। फिर हमने खाया स्पायरल पटाटो जो कि 4 यूरो का था। आप देख सकते हैं कैसे बनता है, एक स्टिक में इसको लगा देते हैं और इसको स्पायरल फॉर्म में कट कर देते हैं। देन इसको फ्राई करते हैं, इसके ऊपर मसाला वगैरह डालते हैं या चीज़ जो भी आपको चाहिए एज अ टॉपिंग। तो ये भी काफ़ी टेस्टी था। एंड मैंने ये एक ले लिया था, मैंने चिली फ्लेवर का लिया था, बहुत टेस्टी हो रहा था। Schmeckt? Lecker? Sag mal lecker dann. Was ist das? Chips. Nee, Spiral Kartoffel. Ach so, ja. Was? Sag mal. Sag mal. Sag mal, Sheila. Was? Was ist das? Kartoffel. तो गाइज ये देख के मैं शॉक थी, यहाँ पे भी बाबा वगैरह होते हैं और हाथ देखने वाले होते हैं मेले में, मुझे हंसी आ रही थी लिटरली। एंड देन यहाँ पे एक शॉप थी फोटो शॉप, जो कि आपको मतलब जो कप्स होते हैं, टी शर्ट्स होते हैं, जितनी जैसे की रिंग होता है उस पर आपकी फ़ोटो जो भी आप चाहते हो तो वो प्रिंट करके दे देंगे, उस पर लगा के दे देंगे। तो ये काफ़ी अच्छा गिफ्ट है अगर आपको फ्रेंड्स वगैरह को देना हो। फिर यहाँ पे एक शॉप थी, देखा होगा अपने राइट साइड में, जिसमें बहुत सारी कैंडीज़ मिल रहे थे, स्पेशली 2 यूरो से स्टार्टिंग था। देन बहुत सारी शॉप तो रिपीटेड मोड में थी, काफ़ी शॉप रिपीटेड थी। एंड टोपी, कैप्स वगैरह, सॉक्स आपको हर जगह मिल जाएंगे। देन यहाँ पे एक शॉप थी जो फ्रूट्स को ना चॉकलेट कोट करके दे रहे थे, बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव था, ये 3 पीसेस का 3 या 4 यूरो था, तो मैंने नहीं खाया। फिर ये कॉटन कैंडी की शॉप थी, आप देख सकते हो। तो बच्चों के लिए काफ़ी ये सही रहता है, एन्जॉयबल रहता है, बच्चे मज़े करते हैं। फिर आगे देख सकते हो आप जाइंट व्हील है, उसके बगल में और एक झूला है जो मैंने पिछली वीडियो में मतलब ट्राई किया था। वैसे ये बेसिकली बच्चों के लिए होता है, बट ये ना पुराने टाइम से, लाइक ये सबसे पुराना झूला है एंड इसी से इवॉल्व होकर मतलब सारे जितने भी जो ये घूमने वाले झूले बनते लाइक जाइंट व्हील एंड ऑल, तो इसकी मतलब ये काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी है बात। काफ़ी क्राउड था गाइज, आप देख सकते हो, खास करके बहुत सारे बच्चे भी थे और बहुत सारे मतलब लाइक टीन एज जो यंग एज वाले लोग होते हैं काफ़ी आए हुए थे। एंड आप देख सकते हो कैसे जा रहा है ये झूला, बहुत ही ये तेज़ घूमता है। एंड मैं ये अपनी सेल्फ़ी लेते हुए, ये छोटे बच्चों का ही सेम झूला था बट ये छोटे बच्चों के लिए था, तो आप देख सकते हो। काफ़ी मुझे तो बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इन्जॉय करा और बहुत ही अच्छा माहौल हो रखा था, मतलब चहल पहल थी हर तरफ, लग रहा था मैं इंडिया में ही आ गई हूँ, मतलब काफ़ी मेरे को मज़ा आया। उसी के पास ले जा, 13 सेकेंड बस, थोड़ा हो गया बस। तो गाइस अब मैं बहुत ज़्यादा डेंजरस राइड पे जाने वाली हूँ, आप देख सकते हो पीछे। देख सकते हो यहाँ पे पायरेट्स बनाए हुए थे, मतलब ये सारे पपेट्स हैं, तो ये खुद ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे जा रहे थे। तो दोस्तों मैंने पॉमेस ले लिया यहाँ से, देख सकते हो बहुत अच्छे पॉमेस हैं। तो गाइस ये मैंने पूरा लिया 4.5 यूरोज़ का। इसमें हम देख सकते हो पॉमेस है, मतलब ये फ्राइज है, अनियन है सॉसेस हैं दो, एक नॉर्मल रेड टोमेटो सॉस है और मायोनीज है। मुझे पर्सनली जर्मनी आके फ्राइज बहुत पसंद आते हैं और यहाँ के लोगों को पसंद होते हैं, तो अगर आप मेले में आओ ना तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन आप खा सकते हो, वेजिटेरियन लोगों के लिए खासकर। फिर फ्राइज़ खाने के बाद मैंने थोड़ा सा वॉक किया, आप देख सकते हो। फिर से मैं बता रही हूँ कितने सारे लोग थे, अनबिलीवेबल। मतलब कोरोना के टाइम पे तो सब लोगों को अलाउड नहीं होता था, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, बिकॉज कोरोना मतलब काफ़ी रिड्यूस हो गए उसके केसेस, तो आप देख सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट राइड्स हैं। मैंने यहाँ पे एक और गेम था, बट टेडी बियर की जगह यहाँ पे आपको ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ऐसे उठा के एक स्पेस पे एक उस पर डालना था, तो जो आप डाल लोगे कैच करके वो आप जीत जाओगे। फिर यहाँ पे बलून्स का गेम था, बलून्स को फोड़ना था, जितने ज़्यादा बलून फोड़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग जो भी गिफ्ट होगा आपको मिलेगा, जैसे कि सॉफ्ट टॉयज या फिर कुछ और इंडोर गेम्स भी मिल सकते हैं। फिर एक ये भयंकर सा राइड था, मैं सोच रही थी इसको ट्राई करूँगी, बट एक्चुअली मेरा सर इतना घूम गया था कि मेरा मन नहीं था कुछ ट्राई करने का। देन यहाँ पे पास्ता भी था, उसके बाद यहाँ पे भी कुछ खाने का सामान था। देन हम लोग वॉक किए जा रहे थे, वॉक करने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। और रात को था फायरवर्क, आज तो 9 बजे बोला था उन लोगों ने, तो हम लोग वहाँ गए थे, कुछ खाए नहीं, लोग वेट करे तो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था। देन यहाँ पे हॉन्टेड हाउस था, हमने सोचा चलो इसको ट्राई करते हैं, बट ये मुझे इतना खास नहीं लगा। इसकी टिकट 3.5 यूरोज़ थी, तो चलो देखते हैं कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। अब एक्साइटेड हो हॉन्टेड हाउस में जाने के लिए, तो गाइस हम जा रहे हैं हॉन्टेड हाउस में, तो 3.5 यूरो की टिकट थी, तो लेट्स गो, देखते हैं कैसा रहेगा। हॉन्टेड हाउस तो बहुत ही बकवास था, तो थम डाउन इसके लिए। आपको कैसा लगा, वर्थ मनी, वर्थ ऑफ मनी या नहीं? बहुत ही बकवास था, बच्चों के लिए था बेसिकली, बट ठीक है। तो गाइस अब मैं इस वाले झूले पे जा रही हूँ जो मैंने पीछे आप देख सकते हो साइड पे, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो चलो फिर ट्राई करते हैं इसको। तो कैसा था गाइस, आप देख ही सकते हो बालों का हाल, एकदम हिला डाला, चक्कर आ रहा है, बट मजा आया। तो गाइस आप देख सकते हो फिर से ही वही शॉप रिपीटेड थी, डिफरेंट शॉप बट सेम जो हमने पहले देखी थी। बट यहाँ पे फ्रूट्स मिल रहे थे चॉकलेट में कोटेड, और यहाँ पे कॉटन कैंडी मिल रही थी। फिर ये राइड थी, तो मेरे को जाने का देख के तो मन कर रहा था, बट ये था कि बहुत इनफ हो गया था, मैं इतना सब कुछ तो ट्राई नहीं कर सकती। फिर यहाँ पे एक पार्टी हाउस था, ये भी एक गेम टाइप था, तो इसमें क्या थे एडवेंचरस टास्क थे जो आपको कंप्लीट करके जाना था, जैसे कि आप देख ही रहे हो। तो ये सब था, ऐसे ठीक लग रहा था, इंटरेस्टिंग लग रहा था, बट ट्राई करने का मूड नहीं था, तो मैंने ट्राई नहीं किया। तो गाइज़ प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपने ऐसा कुछ ट्राई किया है क्या कभी, एंड आप कौन कौन सी राइड्स में गए हो, बैठे हो जब आप मेले में जाते हो या गए हो ऑलरेडी पहले बचपन में। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताना मेरे को। तो गाइज़ यहाँ पे करी वोस बड़ा फेमस है जर्मनी में। यहाँ पे मतलब वोस मतलब मीट होती है और करी के साथ मिलती है, तो ये क्रिसमस में भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पे ब्रिट्सल एक टाइप की ब्रेड है एंड यहाँ पे कुछ मीट ऑप्शन थे जैसे फिश या फिर सी फूड वगैरह, तो वो बेक्ड मिल रहा था। तो नॉन वेजिटेरियन के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। देन उसके बाद यहाँ पर मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी गेम दिखी, तो काफ़ी अच्छी थी। मैं खेलने वाली थी बट टाइम हो गया था, तो मुझे घर भी जाना था तो मैंने नहीं खेला। तो यहाँ पर बॉल मिलेगी आपको और यहाँ पर ऐसे होल्स मिलेंगे, तो आपको उसमें डालना है। एंड ऊपर से आप देखोगे तो आपके पास मतलब आपके पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, एंड उस नंबर का घोड़ा है तो वो आगे चलेगा। जितनी बार आप बॉल डालोगे तो वो आगे चलता जाएगा एंड लास्ट में जो सबसे पहले पहुंचेगा तो वो विनर है एंड उसको प्राइज़ मिल जाएगा। फिर लास्ट में मैंने ये ट्राई करा, इसको कहते हैं बाउमस्ट्रित्zel। तो आप देख सकते हो इसका प्रोसेस ऐसा होता है, इसको कोयला में पूरा ऐसे पका रहे हैं एंड इसके बाहर फिर कोट कर रहे हैं जो भी आपको टॉपिंग चाहिए, चॉकलेट चाहिए, हनी चाहिए, मतलब बहुत सारे इनके पास डिफरेंट कोटिंग्स थे। और ये भी 5 यूरो का था, ठीक है, लगभग मतलब 400 यूरो का, 400 समथिंग यूरो का। मैंने ये ले लिया है, इसका नाम है बाउमस्ट्रित्zel विद चॉकलेट कोटिंग। आप देख सकते हो गरम गरम में भाप निकल रहा है, अभी गरम है, थोड़ी देर में ट्राई करके बताती हूँ कैसा है। तो गाइस ये खा के बताएंगे महाशय कैसा है। तो कैसा लगा आपको, ये कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है? मस्त। कैसा मतलब एक्सप्लेन करो टेस्ट। कैसा फ्लेवर आ रहा है? Just like a normal bread. Okay. So will you give it a thumbs up or thumbs down? It's okay. I mean, neutral. Okay. Schönen Abend. Danke schön.